नमस्कार अर्गसर बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछी मु चिन्मय हजी जाउछी इठी मानविकता कोरोना रो भय वर्तमान समस्त को खारिछी सब आड़े देखिबे कोरोना को नहीं समस्त आशा आशंका रे रहिछन्ते जा कुआ जाउछी जे जदी अन्य किछि रोग मध्ये काहा को होइछी किंतु समस्त को मन रे सेई गोटिए प्रश्न हुए तो ताकु कोरोना हेनी एभली चिंताधारा मध्ये समस्त को मन रे आसुछी एवं अन्य रोगी माने मध्ये एई कोरोना पई वर्तमान अवहेलित बा सेवानों को उपरे जदी देखिबा गोटे प्रकार रो निर्यातना मध्ये से सहउछन्ती एभली एक अभिजोग आसिछी रायगडा जिला विषम कट एक ब्लॉक अंतर्गत भातपुर पंचायत नुआ गाँव ए घटनाटी होउछि जे गाँव संजय मिणिया जहाँ देह असुस्थ होता हठात देह खराब होवर तुम प्रथम जिला स्वास्थ्य केन्द्र और कोरापुट ब्रह्मपुर मेडिकल को निया सेठारे चिकित्सा हो पार ना जदिओ कि किसी युवक जो मैंने नहींक जाते से पुणी थे गाँव को नहीं फेरी आस्तव घटना हूँ गाँव में पहुँचा पर ही सृष्टि होता एभली किसी कांड मानने गाँ लोक गाँव में से पुराई देन थले रोगी सहित तो जो युवक मैंने जाते से गाँ को बारण करता कड़े गोटे खंडिया घर बा अधा तैयारी होता घरे आश्रय नहीं संपर्क से माने वीडियो को जन जदि देखा समस्त स्थानीय सरपंच को जन कि कौन कार्यानुष्ठान नहीं ना एटि सबुठ बड़ प्रश्नवाची सृष्टि हो मनीष मानविकता केमी भूली जाऊँगी कोरोना छड़ा दुनिया में किसी रोग रही कौनसी रोग समस्त को ग्रास करें कि कहीं समस्त मन में गोटे चिंताधारा रही कोरोना पाई जे जहाँ जेकोसी रोग हेले समस्त मन में आसूँ कोरोना होती आम छुईबानी अछुआ करदे जदिओ जन को कोरोना होतु कह सब सरकार प्रचार करूँ रोग को घृणा कर कि रोगी की नुहे आमर आवश्यकता रही सुस्थ होबार आवश्यकता रही कि आम से तार सा परे पुणी मरण मुह को ठेली संगीन अभियोग आसूरी देखा जे रायगढ़ जिलूर मध्य घटना सामना को आसी तेज संपर्क में अधिक आलोचना करने कौन रही वास्तविक घटना कौन थी प्रकृत में देह कौन असुस्थ होता केते दिन धरी से यही अधा खंडिया घरे पड़ रही सहित केतजण युवक अच्छा क्यों अव्यवस्था भितर रही संपर्क में जानापी सीधा सड़क आम सहित जोड़ आम प्रतिनिधि जोड़ गुप्तेश्वर कौशल्य पाखक जावा जे गुप्तेश्वर जानवा को चाहवा किभली भाव में वर्तमान से जो युवक मैंने रही जो रोगी कथा कहुच्छे वर्तमान से स्वास्थ्य अवस्था रोगी किभली रही लोक मैंने केतेदिन धरी एभली अव्यवस्था पड़ रही कौशल्य शुणी पार्टी केते दिन धरी सेठारे एभली अधा खंडिया घरे पड़ रही युवक माने आ तंकर स्वास्थ्य अवस्था वर्तमान रोगी कि रही हाँ देखो चिन्मयी काली गत काली तो आसिक गाँव में प्रवेश करने पूर्व ग्रामवासी मना करते ग्राम पाखे विश्राम गृह से का रे ग्रामवासी ये खबर जो प्रसारण जाकि प्रसारण होगापर आम ब्लॉक प्रशासन से मानू ग्रामवासी को बुझा सुझा कर क्रिश्चियन मेडिकल एडमिशन एवं वर्तमान रोगी क्रिश्चियन मेडिकल वर्तमान चिकित्सित होती चिन्मयी तेज गुप्तेश्वर जहाँ आम पाखे खबर रही है पूर्वर मध्य युवक मैंने जाकि विडीओ को एवं स्थानीय सरपंच को जड़ाइले जेकि से कौली अव्यवस्था रही गाँव में किभली पुराई दौना बारण करुँचा पूर्व कहीं कार्यानुष्ठान नि जा ना कहीं गणमाम प्रसार होगापर जा विडीओ आक्शन नहीं देखु गोटे बड़ देख का आम सरपंच सहित जोजोग कर सरपंच कहते तरफ सब किसी व्यवस्था कर ग्रामवासी सरपंच को यही कहवा कथा को अमान्य कर सरपंच एथिरे किसी हस्तक्षेप करना आ सरपंच सहित आम जोजोग करूँ क्वारंटाइन सेन्टर रोगी को रखा व्यवस्था कर सरपंच सहित जोजोग आम करूँ आउ तथापि सरपंच कौन सी व्यवस्था करना बोली ग्रामवासी अभियोग करते का जिते बड़े गणमाध्यम खबर प्रसार है आम वीडियो सहित जोजोग करूँ वीडियो कहले को ग्रामवासी स्वास्थ्य केन्द्र को लेकिन आणुंच आमको कहले आम भी घटनास्थल जाए उपस्थित थी आउ ग्रामवासी ही जो अटोरे अणाई जाता जो अटो भड़ाटा ग्रामवासी दे ठीक अच्छे आम ब्लॉक प्रशासन सहित जोजोग कर रोगी कौन व्यवस्था करें ग्रामवासी मानक
ଜଣାଇଥିଲୁ ଚିନ୍ମୟୀ। जहाँ अभियोग रही जे जो युवक मैंने जाते जिते जना जाता लोक मैंने ग्रामवासी दाबी करुते से कंटेनमेंट बा क्वारंटाइन सेंटर रे रही बोली कहीं वास्तविक भाव में रोगी कौन मानते जो असुस्थ थे कौन देह खराब होता जो मांस पिंगा पड़ी से रोगी रक्त संपर्क प्रथम जिला मुख्य चिकित्सालय रायगढ़ नहीं थे डाक्तर मना कर कोरापुट ने कोरापुट ठार ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल कटक को नहीं लॉकडाउन रो सिचुएशन एमा निरीह लोक माने कोनोसी आर्थिक अभाव एवं डाक्तरों सहित सठिक भाव में जोगाजोग करी पारिले जहाँ फल से माने आउ सेठारे टंका पैसा अभाव हेतु चली आसीबा काली तांके कहिसंती एवं से रोगी रोगी सुनिबा को जहाँ सूचना रही रोगी संपर्क किए ना गाँव वाला ही नहीं थे सी जन अनाथ एवं गाँव वाला दयारु से सब रोगी को व्यवस्था कर एवं लॉकडाउन जो तांके किसी डाक्तर सहित परामर्श हो पारा ना कौन सी स्वास्थ्य सेवार सुविधा भी हो पारा ना तेणु दी दिन पर्यंत कि न खाई आम फेरी आसचु बोल कि जनाते चिन्मय निहत भाव में जो क्या कहुच्चे क्वारंटाइन सेन्टर में रखाई था कि कहीं कौन क्वारंटाइन सेन्टर में रहीबार सेमती तो किसी नियम ना जे जदि जड़े हस्पिटाल को जाने से कोरोना पॉजिटिव क्वारंटाइन सेन्टर में रहा पड़ो ये कौन से नियम ना कारण जी नियम रही 72 घंटा भितर जब आप कौन स्थान को जाऊँ फेरी आसुँच 72 घंटा भितर ताल आपंपाई कौन क्वारंटाइन सिस्टम ना से होम क्वारंटाइन हो कि क्वारंटाइन सेन्टर हो कि कहीं से हस्पिटाल जापर जे ग्रामवासी माने बाध्य करथिले जे तुम्हें क्वारंटाइन सेंटर रे रहबा पाए हाँ चिन्मयी कल आम ग्रामवासी सहित जोगाजोग करूँ ग्रामवासी सरपंच कहले सीधा सड़क आप गाँव को जातु गाँव में रुहतु रोगी को नहीं कहले कि ग्रामवासी मान गोटे कथा कह कथा है कटक ब्रह्मपुर भुवनेश्वर जोटा कि कोरोना रो हॉटस्पॉट जोन भाव परिचित से अंचल को आपण मैंने जाइंट तेणुक सात दिन क्वारंटाइन कौटी कौटी व्यवस्था रुह तापर जा गाँव में प्रवेश कर कहीं आपणज गाँव में वृद्ध पिला छुआ समस्ते अच्छा जहाँफल आक्रांत हो पारती मनरे गोटे धारणा रही है तेणुक ग्रामवासी मैंने से तीन जन को ग्राम प्रवेश मना कर सात दिन रही आईलापर पिस्थित सब स्थित स्वाभाविक थे आम खुशी रे प्रवेश कर दबू सर एवं वर्तमान कोरोना स्थित एमती है जो बहुत भयंकर है भय से माने से तीन जन युवक गाँव में प्रवेश करने को मना कर किंतु से जो विश्रामगार अधपंतरिया विश्रामगार में सबकि खाद्य पानी जल सबकि जगे दौले प्रशासन एवं सरपंच तरफ कौन सी गोटे व्यवस्था कराऊ बारंबार सरपंच प्रशासन को जोगाजोग करते चिन्मयी ये कौ भाई मानविकता जे खाद्य पेय जदि जोगे दौले गोटे भंगा ददरा घरे जो रोगी जिते से भल ट्रिटमेंट पाइबा दरकार चिकित्सा भल चिकित्सा हाँ दरकार खंडिया घरे पकई रखा ये कौ भाई मानसिकता देखु चिन्मयी यह गोटे अपंच इलाका एवं शिक्षार अभाव बहुत लोकों पाखे पहुँची पारे एपर्त जहाँफल कि लोक कि मानविकता थिले कोरोना परिस्थित वर्तमान एमती लोक घाई जे गोटे प्रकार देखा गले रोग को घृणा करना रोगी को बर्तमान अंचल प्रत्येक अंचल घृणा कर आरंभ कले सरकार प्रशासन तरफ अनेक कार्यक्रम मध्यम जनई जाऊ रोग को घृणा कर रोगी को घृणा कर नहीं कितु एटारे तार ओलटा चित्र देखा मिलूँ रोगी को घृणा कर किंतु रोग को घृणा कर यहपरी व्यवस्था रही अंचल लोके वर्तमान बहुत ये चिंतार अच्छा कोरोना जो महामारी सारा विश्व रे गोटे प्रकार आतंक मचाई जेटा गाँव बहुत भयभीत लोक जहाँफल कि मानविकता को हर ग्रामवासी एपरी कार्य करुवा जमापड़ी।
ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସେତିକ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ କଥା କହିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ କଥା କହିବା ଏଏନ୍ଏମ୍ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ରୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ହେଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଶାକର୍ମୀ ଖାଲି ବାହାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେଇଦେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ କୌଣସି ଆଶାକର୍ମୀ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ସେସବୁ ହଡ଼ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଉପାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ କରୋନା ରୋଗ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସେ କରୋନା ରୋଗ ଖାସ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ କରୋନା ରୋଗ ହେଇଛି କଣ କରୋନା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଆସିଛି ଯୋଉଟାକି ଆତଙ୍କ ମଚେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିକି ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ମାସ୍କ ନାହିଁ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି ଏବଂ ଏବେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ଚିନ୍ମୟୀ କାଲି ଯେଉଁ ରୋଗୀକୁ ଆଣିକି ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯାହା କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯଦି ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରନ୍ତି ସାର୍ ଏପରି ହେଲା ସେପରି ହେଲା କୌଣସି ହେଲା ବୋଲି କୌଣସି ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ବୋଲି ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କେ ହଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯୋଉଟା କି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମ ଦିଅନ୍ତୁ କରୋନା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସଚେତନତା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କୌଣସି ଆଶାକର୍ମୀ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭାତପୁରର ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଯେପରି ସଚେତନତା ଅଭାବ ହେତୁ ତାଙ୍କ ରୋଗୀକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ସମସ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘଟଣା ବା ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯଦି କହିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସଚେତନ କରାଇନାହାନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ତେବେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏଇଟା କି ରୋଗୀ ବୋଲି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମ ଦୁଆରେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ କୋରାପୁଟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠେଇଲେ ଆମ ଦୁଆରେ ହେବ ନା ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବୋଲିକି କରୋନା ହେଇଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାକ ନଥିଲେ ତାପରେ ଆମ ଦୁଆରେ ଆମେ ପାରିବୁନି ବୋଲି କହିଲେ ତା କଟକ ଗଲୁ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ହେଇ ରହିଲୁ
ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଫେରବାଡ଼େ କରିଲୁ ସେତେ ଜାଣି ପାରୁନା ଆମେ ନୂଆ ଲୋକ ହିଁ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟର ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କହିବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଟା ଆଉ ଆମେ ପଳା ଆସିଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଡ଼ା କଲେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଦୁଇ ଦିନ ବୁକରେ ହେଇଥିଲୁ ଯେତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉ ଭୁଲିଛ ଟିକେ କେତେ ସମୟ ରହିକରି ଗାଁରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ଆମର ଟିକେ ଘର ପାଇଁ ବୋଲେ ଟିକେ ଗାଁକୁ ପୁରଉନୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନି କି ତିନି ଦିନ ପରେ ପୁରେଇବା ବୋଲେ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ସେଠି କେରଳବାଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ବି ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖାଦେଖି ଟିକେ କୋଉଟା କି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଗସର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ଏଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।